अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टेबिस ग्रुप के बारे में। टेबिस ग्रुप जो पेज ग्रुप के बाद है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह है टेबिस ग्रुप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। बात क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल पे क्लिक कर देते हैं, हम टेबल के एरो पे क्लिक कर देते हैं। सिंपल, अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे जो है हम जो है लाइंस और कुछ कॉलम जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान में ये बात रहे कि ये क्या है, रो है और ये क्या है, एक कॉलम है। यानी कि एक डब्बा एक कॉलम के बराबर है और एक डब्बा वही डब्बा एक रॉ के बराबर है। यानी कि आप अगर आप यहाँ पर देखें, मैं किस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, एक रॉ है और यही क्या है हमारे पास, एक कॉलम है। ओके, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले। अब जो है हम दोबारा जो है कहाँ पर आ रहे हैं, इंसर्ट पर आ रहे हैं और दोबारा टेबल पर आएंगे। अब देखें, ये है दो कॉलम, ये है तीन कॉलम, ये है चार कॉलम, ये है पाँच कॉलम, लेकिन रॉ क्या है इसे देखिए, क्योंकि हम जो ऊपर वाली उसके अंदर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रॉ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है। ठीक है, रॉ हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है और जो कॉलम होता है वो हमेशा वर्टिकल होता है। ठीक है, कैसे होता है वर्टिकल, ज़रा देखते हैं। अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू कर दूँ, वर्टिकल आना शुरू कर दूँ, तो मेरे पास रॉस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी और कॉलम जो वर्टिकल में लंबे इनके हाइट में ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, जबकि रॉ जो है लंबे यानी कि जो है वेट में ज़्यादा होना जो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखें वेट में ज़्यादा नहीं, मतलब कि वो तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं नीचे आया, तो देखें यहाँ पर जो है सिंपल वही काम जो है होने लग गया। अब सिंपल ये टेबल जो है क्यों बनाते हैं, यहाँ पे अगर उसको जो समझ लेते हैं क्यों हम जो यहाँ पे टेबल बना रहे हैं। ठीक है, उसका पर्पज़ सीधा सीधा ये है हमारे पास टेबल बनाने का, वो ये है कि आप जैसे अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपने 8th क्लास 9th क्लास या आपने स्कूल में गए हो कभी, तो ठीक है स्कूल वैसे गए होंगे ज़्यादातर जो है बच्चे गए होंगे स्कूल। ठीक है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सब स्कूल में ही पढ़ रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, ये आप टाइम टेबल देखते हो अपना। ठीक है, तो टाइम टेबल जो है वो किससे बनता है, टेबल से बनता है। स्कूल वाले भी किससे बना रहे हैं, टेबल से बनाते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में सबको समझाने वाला हूँ, टेंशन ना लें, कैसे यहाँ पे टाइम टेबल बनेगा, सब कुछ बनेगा वो आपको अच्छे तरीके इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप जो कम से कम कितने कॉलम कितनी रॉ ले सकते हैं, 10 कॉलम ले सकते हैं और 8 रॉ जो है आप यहाँ से ले सकते हो। कैसे मैंने ये चीज़ कैसे गिनी ज़रा बताता हूँ आपको। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 ये है रॉ, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और ये क्या है कॉलम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यानी कि मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 10 कॉलम ले सकते हो और 8 रोज ले सकते हो। लेकिन अगर मैं अगर बोलूँ कि यार मुझे जो है इससे ज़्यादा जो है रोज चाहिए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे सर देख लेते हैं। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ और कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट होगा, बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो ये टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट पे जा रहे हैं दोबारा और मैं टेबल पर आ जाता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा रोज, इससे ज़्यादा कॉलम्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इंसर्ट टेबल पर आ जाऊँगा। कहाँ आ जाऊँगा, इंसर्ट टेबल पर आ जाऊँगा और सिंपल यहाँ से जो है बताऊँगा कि भाई मुझे कितना कॉलम चाहिए और मुझे कितनी रोज यहाँ पर चाहिए। तो मैं 5 पे माइनस क्लिक कर रही हूँ, बैक स्पेस क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15। कॉलम कितने चाहिए, 15 और मुझे रोज कितनी चाहिए यहाँ पे, सपोज कर लें मुझे रोज चाहिए 18 रोज चाहिए। ठीक है, आप 1000 भी ले सकते हो, आप 15000 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओके प्रेस कर रहे हैं हम, ओके प्रेस कर दिया, तो देखें उसी हिसाब से जो है इसने यहाँ पे काम कर दिया। सिंपल 1, 2, 3 जो बच्चों के लिए आप KG 1 KG 2 क्लास में जो है लिख सकते हो, और बहुत सारी तो कैलकुलेशन ही सारी इसके ऊपर करवाते हैं हम लोग, मैथ्स के पेपर वगैरह बनते हैं तो वो छोटे छोटे टेबल उसके अंदर बने हुए होते हैं, उसमें जो है मल्टीप्लाई माइनस की जो सवाल होते हैं वो इसी के अंदर जो ओके बनकर आ रहे होते हैं हमारे पास। ओके, तो फिलहाल के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ दोबारा। यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद बैक स्पेस क्लिक कर दिया मैंने, अब इंसर्ट पे दोबारा आ रहे हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक दूसरा जो अगला ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल। ठीक है, आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आ रहा हूँ, देखिए मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक जो है पेंसिल नुमा एक चीज़ आ गई जो क्या करेगी, टेबल ड्रॉ करेगी। देखें टेबल का ये बॉक्स आ रहा है, सिंपल पूरा टेबल नहीं आ रहा, इसको आप सेल कह सकते हैं, ये सेल है बेसिकली, क्या ये सेल। ओके, सेल हमारे पास आ गया, ये पूरा ड्रॉ हो गया इसके अंदर। ठीक है, आप ये काम भी जो है यहाँ पे ईजी कर सकते हैं, अगर इरेजर करना है तो इरेज, ठीक है ये इरेज कर देगा सिंपल। यहाँ से मैंने क्लिक करा था अभी आपके सामने, दोबारा दिखा दें, इंसर्ट पर आ रहे हैं, दोबारा टेबल पर आ रहे हैं, ड्रॉ टेबल और सिंपल, अरे यार इंसर्ट नहीं, ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर दिया। अब मैं सिंपल एक जो है बॉक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, सिंपल यहाँ पे जो भी डाक कर रहे हैं टाइप कर रहे हैं आप, लेकिन अगर मुझे इसको इरेज करना है तो मैं इरेज पे क्लिक करूँगा। देखें ये यहाँ पे जो एक टैब ओपन हो गया अलग से, अगर ये आपसे मिस हो जाता है तो आप कैसे लाओगे इसको देख लो ज़रा। मैं दोबारा इस टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लेआउट का टैब आएगा, इसमें आने के बाद कहाँ क्लिक कर दोगे, इरेज पे क्लिक कर दोगे इधर पे, और सिंपल ड्रॉ कर दो सिंपल यहाँ पे, ये हो जाएगा इरेज। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम दोबारा इंसर्ट पर आ रहे हैं और टेबल पर आ रहे हैं, टेबल पर आने के बाद यहाँ पर है एक्सेल
स्प्रेडशीट, ठीक है। अगर आप मज़ा नहीं आता आपको वर्ड के अंदर इसके खुद के लेवल पे काम करने में, लेकिन अगर आपको एक्सेल में जो अच्छे तरीके से काम करना आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेल की स्प्रेडशीट से भी जो है टेबल यहाँ पे बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब क्लिक करने के बाद अगर मैं बात करूँ तो सिंपल यहाँ पे जो एक एक्सेल की स्प्रेडशीट मेरे सामने जो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन हो गई। ये बिल्कुल जो है यहाँ पे जो एक समा होता है ना एक्सेल का, एक समा होता है वही सारा यहाँ पर आ गया। यानी कि आप एक्सेल पे जो है आसानी से काम कर सकते हो, फिल्टर विल्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूलाज अगर अप्लाई करवा सकते हो यहाँ पे, तो इसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं ज़्यादातर रेफर करूँगा कि मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे जो है काम करूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अभी तक हमने एक्सेल पढ़ा नहीं है, तो हम एक्सेल पढ़ने के बाद ही जो है इस पर काम कर पाएंगे। और आप वैसे ही कर लोगे, आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जब एक्सेल पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। आई होप सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसको फिलहाल के लिए कट कर रहा हूँ। मैं यहाँ कुछ डेटा वगैरह ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ डेटा ऐड कर दिया, यहाँ कुछ डेटा ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा ऐड कर दिया। तो सिंपल ये आप वहाँ पे देखिए कैसे ऐड हो जाएगा। मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से और कट कर कर देंगे। तो सिंपल ये इसको जो है कट करना है, हमें यहाँ पर आ गए। बाहर डबल क्लिक कर दें सिंपल, ठीक है। तो ये जो है ओपन होकर आया। अगर इसमें क्लिक कर रहे हैं दोबारा, ठीक है, बस सिर्फ बाहर डबल क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक जो है ये इसका जो टेबल है वो निकल कर आ जाएगा। ये वैसा टेबल तो नहीं होगा जैसा आपको नज़र आता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो हम बनाते हैं वैसा तो नहीं होगा ये, लेकिन ये कि आपको अगर एक्सेल वाला जो एक तजुर्बा चाहिए यहाँ पे तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट ले सकते हैं। ओके, आई होप सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, ठीक है, और डिलीट। सही, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद टेबल पर दोबारा आ रहे हैं हम लोग, और इसके बाद एक क्विक टेबल क्या है ये बेसिकली कैलेंडर वगैरह और दीगर चीज़ें अगर हमें बनानी है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 12 पेपर लेता हूँ, 12 पेपर पे जो है हर मंथ का जो है एक हिसाब किताब उसके ऊपर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो एक टेबल ले लिया, ठीक है। या अगर आप एक पेज पे सारा काम करना चाहते हैं ये भी आप जो है आसानी से कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे डेट्स वगैरह जो है चेंज करनी पड़ेंगी किसी एक बने बनाए कैलेंडर से देख के, और फिर ऊपर आप अपना पूरा जो है कैलेंडर ईजिली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी कि अगर आप इसको बड़ा कर लो साइज में, तो साइज में ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर कोई अच्छी सी तस्वीर लगा दी आपने, मूव कैसे करोगे इधर देख लो। ये भी मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं इसको जूम नीचे कर रहा हूँ, अब मैंने इसको जूम नीचे कर लिया। यहाँ पे एक बड़ी सी तस्वीर लगाएं आप अच्छी सी, अब ये उस पर चला गया अगले पेज पे, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अच्छा, दो लिए हैं मैंने यहाँ पे, तो इससे सारा काम खराब हो रहा है। मैं कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूँ पहले, कंट्रोल ए और बैक स्पेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सिंपल दोबारा हम इंसर्ट पे आएंगे और टेबल पर आएंगे। टेबल पर आने के बाद हम जो क्विक टेबल पर आ रहे हैं, सिंपल मैंने मई पे क्लिक कर दिया। मई को मैंने पहले बड़ा कर लिया थोड़ा सा साइज में, और फिर मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। जब नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, ये मूव हो रहा है। अब आप यहाँ से बड़ी सी इमेज लगाएं, अपने ब्रांड ब्रांड का नाम लिखें, ऐसे 12 पेपर बना दें टोटल, तो आपका पूरा कैलेंडर भी जो है रेडी हो जाएगा। अभी तक उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मैं जानबूझ के इस वीडियो को लंबा कर रहा हूँ ताकि जो है हमारा पूरा एक टॉपिक जो टेबल का है वो एक ही वीडियो में जो कवर हो जाए, और आपको भी आसानी हो जाए कि बार बार आप कोई दूसरी वीडियो जाके ना देखें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा टेबल एक क्रिएट कर लूँ जिसमें कोई 4 कॉलम्स हो और कोई 7 या 7-8 रोज के अंदर, ठीक है, तो मैंने सिंपल ये यहाँ पर जो क्रिएट कर लिया। अब अगर आप देखो तो इसके साथ एक टैब टेबल डिज़ाइन, एक है लेआउट। एक क्या है टेबल डिज़ाइन, एक है लेआउट। मैं कोशिश करूँगा पूरे दोनों टैब्स को अच्छे तरीके से समझाने की, तो कंसंट्रेट करके जो देखिएगा समझिएगा। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके सब चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टैब के अंदर जो है एक ग्रुप है सिंपल, उसका नाम क्या है टेबल स्टाइल। अगर इसके एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टाइल हमें मिल जाएंगे जो नहायत बड़े ज़बरदस्त स्टाइल हैं। अभी मैं आपके सामने टाइम टेबल बनाऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से जो ये टेबल डिज़ाइन जो है काम करता है। ये वाला आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ। और अगर आपको ये सारा काम खुद करना है तो आप सिंपल सिलेक्शन करोगे इसके अंदर। सिलेक्शन करने के बाद देखिए क्लिक करके मैंने ड्रैगिंग करी इस तरह, ठीक है, शेडिंग पे आ रहे हैं। शेडिंग कोई सी भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर देना था, मैंने ब्लैक अप्लाई कर दिया या मैंने लाइट ब्लैक अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर जो है इसकी सिलेक्शन करी मैंने सिंपल, यहाँ पर शेडिंग आके दूसरा कलर, और इसके अंदर जो आपका फॉन्ट कलर है वो आप पूरा सिलेक्शन करें सिंपल। इसको सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर होम पे आएँ और जो इसका फॉन्ट कलर है वो वाइट कर दें सिंपल। तो इसके अंदर जो टाइपिंग होगी वो भी क्या होगी, वाइट होगी। देख रहे हैं ये वाइट टाइपिंग होगी इसके अंदर, तो आप ये सारा काम भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरे दोनों टाइप समझाऊँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो कुछ जो अपने पास से भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें अप्लाई करिएगा, आपको अंदाजा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। खुद भी कुछ करना चाहिए इंसान को। अब यहाँ पर जो है ये काम हो गया, इसके बाद जो है अगर हम देखें
इसके बाद बॉर्डर स्टाइल कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे जो है कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल देख लेते क्या है। मैं बॉर्डर स्टाइल पर आ रहा हूँ, मैंने जो है सिंपल ये बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही जिस लाइन पर आगे क्लिक करूंगा ये उसकी बॉर्डर स्टाइल में जो उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, ये सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है, वो क्या है, कंट्रोल जेड। मैं पहले जो है यहाँ से बॉर्डर पेंटर को जो है अनेबल कर देता हूँ ताकि जो है हमारा काम हो जाए। अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्शन करने के बाद मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं बॉर्डर में आऊंगा और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक जो है ऊपर उन सारे बॉर्डर पे जो यही स्टाइल अप्लाई कर देगा। अगर मैं यहाँ से जो है कुछ चेंजिंग करूँ, मिसाल के तौर पर मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, और फिर मैं दोबारा बॉर्डर पर आ रहा हूँ और मैं दोबारा जो क्या करता हूँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करूँ और मुझे सिर्फ इस वाली लाइन पे जो है ना वही कलर चाहिए, ठीक है, बॉर्डर पेंटर हो सकता है आपको एक्टिव करना पड़ जाए, मुझे डायरेक्टली एक्टिव हुआ हुआ मिला है तो आप एक्टिव कर लिएगा, अगर एक्टिव हुआ हुआ तो कोई मसला बात नहीं है। इसके अंदर मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये सिंपल उसने मुझे उसी कलर की जो है लाइन यहाँ पे दे दी। इसको मैं दोबारा डीएक्टिव करूंगा और सिंपल आप देखें तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी लाइन अलग है, बाकी सब जो है वैसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बॉर्डर पेंटर भी समझ में आया होगा। पैन कलर आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो ये पैन कलर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी वेट वगैरह बढ़ा दें, यहाँ से पीटी वगैरह बढ़ा दें, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ से अगर सब पे अप्लाई करना है ऑल बॉर्डर, ठीक है, अगर सिलेक्शन करनी पड़ेगी पहले, याद रखिएगा। ठीक है, पहले इसको डीएक्टिव करें, सिलेक्शन करें सिंपल, सिलेक्शन करने के बाद कहाँ क्लिक कर देंगे, बॉर्डर पर आएंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो सिंपल यहाँ पे वो सारा काम जो है यहाँ पर हो गया। ऐसा लग रहा है कोई दीवार सी यहाँ पे जो है बन गई। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है डिज़ाइन टैब जो अच्छे तरीके समझ में आया होगा, ये टैब टेबल डिज़ाइन टैब है, ये आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा। इसके बाद है लेआउट। लेआउट जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त टैब है, अगर आपको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप लेआउट से ही जो है सारी एडिटिंग जो है सेटिंग वगैरह करोगे, और इसी के मदद से हम जो यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, टाइम टेबल बनाने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब सपोज करें कि किसी टेबल के अंदर क्या क्या होता है, किसी टाइम टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करना है। सबसे पहले डेट आती है उसके अंदर, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है डेट टाइप कर देंगे, डेट। ओके, और इसके बराबर में कैसे आएंगे, ये एरो मैंने प्रेस किया, एरो बटन, यानी कि इस साइड का सीधे हाथ का जो एरो बटन मैंने प्रेस कर दिया तो वो सीधे वाले सेल के अंदर आ गया। डेट होता है, ठीक है, डेज होते हैं, डेज, ठीक है, डेज के बाद अगर हम बात करें तो पेपर होते हैं, पेपर हमें डिफाइन करना है, पेपर PER पेपर, ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास पेपर के साथ साथ एक चीज़ होती है, वो टाइमिंग, PIMMING टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग भी हमने यहाँ पर ले ली। अब ये तो ले लिया, ये सब करने के बाद जो है हमें क्या करना है, डेट्स वगैरह जो ऐड करवानी है, आप आसानी से डेट वगैरह ऐड करवा लेंगे। मैं फिलहाल के लिए सपोज करूँ यहाँ पर 7 पेपर हैं टोटल, ठीक है, 7 पेपर हैं, तो अगर मुझे रोज़ ऐड करवानी है दोबारा तो मैं कहाँ पर आऊँगा, इंसर्ट बेलो पर, मुझे नीचे की तरफ ऐड करवानी है तो इंसर्ट बेलो, या अगर आप ऊपर की तरफ ऐड करवाएं इंसर्ट अबव, ये ऊपर की तरफ ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ ऐड करवाना चाहता हूँ तो इंसर्ट बेलो। ओके, तो हमारे रोज कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मुझे और ऐड करवानी है तो इंसर्ट बेलो। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम ऐड हो जाए यहाँ पे तो इंसर्ट, यानी कि 4 उसने ऐड कर दिए, मुझे एक ही कॉलम चाहिए ओनली, तो मैं पहले सिलेक्शन ख़त्म करूँगा और उसके बाद जो है इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करूँगा, तो इंसर्ट लेफ्ट पर उसने क्लिक करवा दिया, एक कॉलम दिलवा दिया। इंसर्ट राइट, तो इंसर्ट राइट पर उसने एक कॉलम मुझे दिलवा दिया। मैं कंट्रोल ऐड करूँगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अगर कोई रॉ मुझे डिलीट करनी है, मिसाल के तौर पर मुझसे जो है एक रॉ ज़्यादा आ गई, एक रॉ ज़्यादा आ गई, ठीक है, अब मुझे इस रॉ को डिलीट करना है तो मैं डिलीट पर आऊँगा, डिलीट रॉ पर क्लिक कर दूँगा। अब गलती से जो है ना मुझसे एक कॉलम ज़्यादा आ गया, ठीक है, उसको कैसे डिलीट करना है भाई, इंसर्ट लेफ्ट पर आ जाओ आप सिंपल, यहाँ पे अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट में आएंगे, डिलीट कॉलम पे, मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना है, डिलीट टेबल, डिलीट रोस, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल भी, आप सेल भी डिलीट कर सकते हो, आप डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट सेल पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये इसको कहीं पे जो है ड्रॉ करवाना है, डिलीट एंटायर रॉ, रॉ डिलीट नहीं करवानी, कॉलम डिलीट नहीं करवाना, हमें यही सेल जो है डिलीट करवाना है, इस सेल को वो बराबर में शिफ्ट कर देगा, ठीक है, देखें बिल्कुल इसने पूरा सेल उड़ा दिया। अब मैं बीच में से कोई सेल डिलीट करना चाहता हूँ तो ये बीच में से मुश्किल हो जाएगा सेल डिलीट करना, तो इसने बीच में सेल ड्रॉ कर दिया लेकिन इसको बराबर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये सारे काम जो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आप टेबल को कैसे ड्रॉ वो करेंगे, डिलीट करेंगे, तो सिंपल डिलीट, डिलीट टेबल क्लिक होना चाहिए आपका बस, ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापसी ला रहा हूँ उसको मैं,
कंट्रोल जेड करने के बाद मैं इंसर्ट पे दोबारा आऊँगा और नहीं डायरेक्ट लेआउट में आ जाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद एक चीज़ ये भी है, ये क्या है, अलाइनमेंट। क्या है अलाइनमेंट? अब मैं सपोज करें मैं डेट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये बीच में आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, देखिए यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, उसको मैं जान बूझ के रॉ को नीचे की तरफ घसीट रहा हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि बीच में है, ओके। अगर मैं ऊपर रखना चाहता हूँ तो ऊपर रखूँगा, साइड में यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ रखना चाहते हो वहाँ पे इसको रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लूँ और इसको बीच में क्लिक कर दूँ तो सब बीच में आ जाएंगे, ओके। मैं चाहता हूँ सबको मैं कैपिटल कर दूँ, होम टैब में आ रहा हूँ, यहाँ पे अपर केस पे क्लिक करूँगा सिंपल, तो ये अपर केस में भी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा लेआउट पे आ गए हम, और अगर टैक्स डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, टैक्स डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है। मार्जिन को नहीं छेड़ रहे हैं, ऑलरेडी जो मार्जिन है उसको वैसी वैसी का वैसी जो है रहने दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा जीरो, तो यहाँ पे 8 जो है डिग्री आपको लाजमी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं आप। मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है यहाँ। ओके प्रेस कर दिया, तो ये देखें सबको चेंज कर दिया, मार्जिन सबका चेंज कर दिया ऊपर की तरफ से, ठीक है। ये ऊपर की तरफ से जो आप गैप नजर आ रहा है ना, वो इसी का जो मार्जिन का नजर आ रहा है, ठीक है। और सबके साइज जो है साइज बड़े हो गए, भले इसको छेड़े मत, इसको एडिटेस रहने दें। और बाकी जो मैं अभी यहाँ पे जो स्किप करवा रहा हूँ, ड्रॉ टेबल वगैरह मैं आपको समझा दिया था, ठीक है। ये चीज़ है जो है मैं आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेल वगैरह हम पढ़ेंगे वहाँ पर आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगी। मर्ज से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम जो है कहाँ जाके पढ़ेंगे, एक्सेल वगैरह में जाके ही जो है पढ़ेंगे, ओके। व्यू गाइडलाइंस वगैरह आप ऐड करवा सकते हो, ठीक। तो ये बहरहाल इससे हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हम ये पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल साइज यही रहेगा हमेशा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये सेल साइज है, ये साइज नहीं है, एक्चुअल सेल साइज क्या है, ये है, ओके। जो नीचे हमें सेल नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल सेल साइज है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम जो है सिंपल पहले अपने हेडर को जो है सही कर लें, जो हमारा हेडर ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है। तो चलें उसको हम सेट करते हैं, और अब जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमें मामला समझ में आए, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा दोबारा, और ऊपर की तरफ आ गए हम थोड़ा, इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ये हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर लिया। अब थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं करने वाला हूँ उसके ऊपर, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, टेबल डिज़ाइन में आएंगे, शेडिंग ले लूँगा सिंपल यहाँ पे ब्लैक कलर की, ओके। राइटिंग चेंज करूँगा, फॉन्ट चेंज करूँगा यहाँ पर आके, और मैंने फॉन्ट भी जो है यहाँ पे चेंज कर लिया, अच्छा खासा जो है ना वैसा रखना है, जैसे बहुत डार्क किस्म का जो है फॉन्ट में यहाँ रखना, ताकि नज़र आए और अच्छा हो साइज में। ये देखें ये अच्छा है फॉन्ट, सही, ओके। तो एक छोटा सा टाइम टेबल जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप यहाँ पे डेट्स वगैरह सारी लिख लें, डेट्स वगैरह यहाँ पे लिख लें, पेपर वगैरह सारे यहाँ पे लिख लें, टाइमिंग वगैरह यहाँ पे लिख लें। अभी मर्ज क्या है, ये सेल मर्ज है वो क्या है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर आके, वो है सेल मर्ज। अब मैंने मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और मैं बीच में लिखूँ, यहाँ इसके बीच में दो कॉलम्स के ऊपर के बीच में मैं एक चीज़ और लिखूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को मर्ज करना पड़ेगा। ये दो सेल होंगे उनको आपस में मिला दिया जाएगा, और ये क्या कहलाते हैं, मर्ज सेल, मर्ज सेल क्लिक कर दिया हमने, ये मर्ज हो गया सिंपल। अब ये दो सेल से एक सेल में चेंज हो गए, आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, ठीक है, और इसको सेंटर में कर लें। इसकी आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ने वाली है, किसके अंदर, वर्ड के अंदर बहुत कम जो है ज़रूरत पड़ेगी, अलबत्त एक्सेल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें वो स्प्लिट सेल, क्या है स्प्लिट सेल्स, अगर मैं यहाँ पर जो है इसको सिलेक्शन कर लूँ और इसको करूँ स्प्लिट, क्या करूँ स्प्लिट, तो इसने क्या कर दिया स्प्लिट करवा दिया, ऊपर वाली रो को अलग कर दिया और बाकी टीवी को अलग कर दिया। मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ, स्प्लिट सेल पर क्लिक कर रहा हूँ, और जो कॉलम ये देखें अलग करवा दिया, ठीक है। तो ये काम भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और ऊपर वाले को जो अलग करवा सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। अगर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसी कॉलम के स्टाइल के अंदर अच्छे खासे सेल्स बन जाएं, तो मैं सिंपल यहाँ पर तादाद बढ़ा दूंगा इसी में, ठीक है। तो ज़रा देखें कैसे, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बेसिकली अगर आपको कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो आप वहाँ पर जो यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ करना कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पे मैं नीचे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, डबल क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आ जाते हैं हम, इंसर्ट पर उसी पे क्या कहते हैं टेबल पर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक रो मैंने क्रिएट कर ली। अब आपको पता है सीएनआईसी के अंदर कितने नंबर आएंगे, आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सिंपल आप जानते हो कि एक सीएनआईसी में 42101 और फिर कोई इसके बाद 10 नंबर और आते हैं, तो टोटल 16 नंबर जो इसके अंदर आते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसी रॉ के अंदर रहते हुए आप कहाँ आ जाओगे, लेआउट में आ जाओगे, और फिर कहाँ आ जाओगे स्प्लिट सेल पर आ जाओगे, यहाँ पे कॉलम में ही क्या टाइप कर दोगे, 16 टाइप कर दोगे। तो यहाँ पर जो है ओके पास करोगे जैसे ही, ये आपको 16 वाइज जो नंबर ला के दे देगा,
ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको फिर आप अरेंज कर लो, थोड़ा सा इस तरह करना इस तरह कर लो, और फिर यहाँ पे सीएनसी वगैरह का नाम है, तो आपका सिंपल इस तरीके का फॉर्म पूरा करना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे है स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल अलग अलग करना है, तो स्प्लिट टेबल पर क्लिक करना है भाई, ओके, अलग करने के लिए। ओके, तो आई होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ, यानी कि आप एक साथ पूरा फॉर्म बना लो एक ही उसमें रख के, और फिर बाद में उसको अलग अलग कर लो, तो ये सिंपल आपके जो है पूरा फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, मैं दोबारा कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल ऐड। अब जो बाकी इमेज जो हमें ऊपर कोई मिसाल के लोगो वगैरह लगता है, ठीक है, वो मैं आपको अगली जो क्लास के अंदर बताने वाला हूँ, जो पिक्चर वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से जो हम यहाँ पे लोगो और पिक्चर वगैरह यहाँ पे लगाएंगे, नाम वाम लिखेंगे। ओके, तो आई होप तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट में लाजमी बताएं। वैसे बहुत लंबी हो गई, तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दिएगा। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।